चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप हासिल कर सकें। एक बार दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स में अल्लाह लिखते हैं। माहे सियाम अपना दामन लपेट रहा है और हमसे जुदा हुआ चाह रहा है। ईद का मौसम, ईद की घड़ियां जलवा फिराज हो रही हैं। ये शहर मवासात था, शहर मोहब्बत था। ये माह अनवर अपने दामन में बहुत सारे एहसासात थे जो हमें दे करके गया है। तो आइए इस माह अनवर के दिए गए असबाक को अपनी लोहे दिल पे नक्श कर लें। ईद का दिन तुलू होते ही दुखियों की मदद, लाचारों की नुसरत और एयानत के लिए कमर बस्ता हो जाएं। लोगों के साथ हुस्ने सलूक रखें, अपने अतराफ पे गौर करें, गुराबा मसाकीन गली महल्ले में, रिश्तेदारों में, अज़ीज़ा व अक़रबा में उनकी मदद करें और ईद की खुशियों में उनको अपने साथ बराबर शरीक रखें। ईद नए कपड़े पहन लेने का नाम नहीं है, लोगों के साथ हुस्ने सलूक और अच्छे रवैये और तर्ज़ मुआशरत की खूबसूरती का नाम ईद है। और हमें दूसरों के दुख बांटने की, दूसरों के साथ मोहब्बत करने की तलकीन की गई है। तो ये फितराना भी इसीलिए हमारे ऊपर वाजिब किया गया है कि हम गुराबा को ईद की खुशियों में शामिल कर सकें। उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए उनको फितराना दीजिए, उसके अलावा भी तहाइफ़ दीजिए, उनसे मिलिए, उनसे मोहब्बत का इजहार कीजिए और इजहार बशाशत, इजहार मुसर्रत कीजिए। एक दूसरे के साथ हुस्ने सलूक की उम्दा मिसालें कायम कीजिए। अल्लाह मुझे आपको अपनी ख़ास रहमतों और करम नवाजियों के हिसार में रखे।